चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एसोसिएशन, ठीक है ना। अब सॉल्वेशन हो रहा है, सॉल्वेशन होने का मतलब ये हुआ कि देखिए सॉल्वेशन में क्या हो रहा है कि सबसे पहले आपने देखा कि कोई हमारा ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है और इसको चारों तरफ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ने घेरा, इनके बीच सॉल्वेशन बना और फाइनली ये कैसे बन गया, ये ऐसे बन गया, यानी ये बीच वाला सॉल्यूट और चारों तरफ क्या हो गया, यानी आपस में मिल गई है वैसा बन गया। अब ये जो सॉल्वेशन हो रहा है, ये जो सॉल्वेशन हो रहा है उसमें टॉपिक है एसोसिएशन। एसोसिएशन किसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आयंस के लिए। हो सकता है जब हमारे पास सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अलग अलग नेचर के, जैसे मैंने कहा कि अगर हमको घोलना है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का अणु है, इसको घोलना है, ये आयन डिसोसिएट तो नहीं हो रहा, ये तो एक ही अणु रहेगा, सॉल्यूट एक ही लेकर जाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए हमको घोलना है नमक NaCl, तो जैसे ही पानी में डालेंगे ये Na+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा, होगा। अब ये अलग सॉल्यूट हो जाएगा या अलग सॉल्यूट हो जाएगा, अब इसके लिए अलग सॉल्वेशन होगा और इसके लिए अलग सॉल्वेशन होगा, क्योंकि पहले सॉल्यूट के मॉलिक्यूल एक ही थे भाई, इसमें ग्लूकोज ऐसे कंपाउंड जो ना आयनिक नहीं, उनके डालने के लिए क्या भाई इसमें एक ही तरह का सॉल्यूट है, एक ही तरह का एसोसिएशन होगा। लेकिन जब अगर कोई आयनिक कंपाउंड हम डाल रहे हैं उसका सॉल्वेशन कर रहे हैं तो वो आयन में टूटता है, और जब आयन में टूटेगा तो उनके लिए सॉल्वेशन भी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। अब उनके अलग अलग तरीके से कैसे हो सकते हैं, फुली सॉल्वेटेड, सॉल्वेंट शेयर्ड और कॉन्टैक्ट, तीनों समझते हैं बारी बारी से। तो इसको हम फिर से यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास इस कंटेनर के अंदर पहले से कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, ये जो अणु है ये किसके हैं, सॉल्वेंट, क्लियर है। अब हमने जो इसमें डाला सॉल्यूट वो आयनिक था, तो जैसे ही सॉल्यूट इसके अंदर डाला वो सॉल्यूट अपने प्लस और माइनस में टूट गया, क्लियर समझ रहे हो। हमने डाला सॉल्यूट एक ही, अलग नहीं डाला, सॉल्यूट हमने एक ही डाला, लेकिन क्योंकि वो आयनिक था जब हमने इसमें आयनिक सॉल्यूट डाला तो आयनिक सॉल्यूट डालने पर क्या हुआ कि वो कंटेनर में जाके प्लस माइनस में टूट गया। अब ये प्लस माइनस के साथ इस सॉल्वेंट का सॉल्वेशन होगा भाई, ये भी सॉल्यूट का अणु है और ये भी सॉल्यूट का अणु, दोनों के साथ होगा, या तो हो सकता है दोनों एक साथ ही हो जाए या दोनों का अलग अलग हो। तो इस तरह से एसोसिएशन जो है इसी को एसोसिएशन बोलते हैं, जब आयनिक मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन होता है और उसका सॉल्वेशन हो रहा है, तो आयनिक मॉलिक्यूल का जो सॉल्वेशन होता है उसी को एसोसिएशन, क्लियर हो गया। अब हम कैसे कर सकते हैं, तीन तरीके से हो सकता है। फुली सॉल्वेटेड, फुली सॉल्वेटेड में पहले तरीके में क्या होगा, फुली सॉल्वेटेड की अगर हम बात करें तो ये हमारा कटायन है और तो इसको चारों तरफ से किसने घेर लिया, सॉल्वेंट ने, देखो दिस इज द सॉल्यूट और ये क्या है, सॉल्वेंट। तो एक तरीका ये है, ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट, जो पहला तरीका है फुली सॉल्वेटेड, उसमें यह तरीका हो सकता है कि भैया जो सॉल्वेंट है कटायन के साथ अलग बनेगा और एनायन के साथ अलग, समझ में आ रहा है। यानी जो फुली सॉल्वेटेड वाला कहानी है उसमें यह तरीका हो सकता है कॉम्प्लेक्स बनने का कि जो सॉल्वेंट है वो आधे आधे बढ़ जाए, जैसे मैंने कहा कि 1000 मॉलिक्यूल सॉल्वेंट है तो 500 चले जाए कटायन के पास और 500 चले जाए एनायन, यानी कुछ सॉल्वेंट में कटायन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया और कुछ ने एनायन से बनाया और दोनों बिल्कुल अलग जुड़े हुए नहीं है, इसे बोलते हैं फुली सॉल्वेटेड, यानी पूरी तरह से सॉल्वेटेड हुआ है, क्लियर हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा हमारा होता है सॉल्वेंट शेयर्ड, अब इसमें एक चीज नाम से लग रहा होगा सॉल्वेंट शेयर्ड, इसको सॉल्वेंट सेपरेटेड भी बोलते हैं, ये नाम से क्या लग रहा होगा कि अब कटायन और एनायन अपना अपना सॉल्वेंट को शेयर करें, हो सकता है मुझे कहा कि 1000 पार्टिकल थे 500 बोली या 500 बोली, ये वाला हो गया। अगर हम कहें कि 1000 पार्टिकल में एक 1000 से वो जुड़ा है और वो जुड़ा है, कैसे जुड़ा है ये देखिए, ये प्लस ये माइनस कटायन और एनायन, समझ आ रहा है, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया और ये दोनों हमारे क्या हो गए, सॉल्वेंट। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जो दोनों प्लस माइनस को घेरने वाले सॉल्वेंट है वो सेम ही है, यानी कुछ पार्ट इसका इसको भी घेरा है कुछ पार्ट इसका इसको भी घेरा है, भाई देखा जाए तो एक्चुअल में इसका ये सेम है और इसका ये सेम है, तो ये बीच में कहीं तुमको शेयर्ड वाला पोर्शन दिख रहा है, यानी इसका कुछ सॉल्वेंट इससे भी जुड़ा है और इसका कुछ सॉल्वेंट इससे भी जुड़ा है, जब ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट शेयर्ड, ये कॉन्सेप्ट एकदम, तीन तरह कॉन्सेप्ट होते हैं। अगला होता है कॉन्टैक्टेड, ये तीसरा वाला जो कॉन्टैक्टेड है ये बड़ा
इंटरेस्टिंग है, ये तब होता है जब कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रांग आयन है जिसका आयन को टूटा तो लेकिन ये दूर रह नहीं सकते, प्लस माइनस टूटेगा, प्लस माइनस जुड़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स भी तो होता है। इसमें क्या होगा, जब प्लस और माइनस जब दोनों आयन ही आपस में पहले जुड़ जाए, ये दोनों प्लस माइनस आपस में जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, तो नारा ये हमारा जो है सॉल्यूट है और ये हमारा क्या है, क्लियर हो गया। ये तीसरा कॉम्प्लेक्स है कॉन्ट्रैक्टेड कि जब हमारा दोनों सॉल्यूट ही आपस में जुड़े और उसको चारों तरफ खींचने के लिए सॉल्यूट, बहुत बेहतरीन तरीका है समझने का। तीनों एसोसिएशन पहले वाले पूरी तरह से सेपरेट है, प्लस को अलग सॉल्वेंट बना, इसको अलग सॉल्वेंट बना, इनमें दोनों का सॉल्वेंट शेयर्ड है और इसमें कॉम्प्लेक्स बन गया और उसको ऊपर से सॉल्वेंट, दिस इज द एसोसिएशन। ठीक है, बंद हो गया, इसको बारीकी से देखेंगे।